साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम का भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा 26 जून से कश्मीर से शुरू हुई है और ये परिवर्तन यात्रा जम्मू कश्मीर से निकलकर पंजाब आई, पंजाब से चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात और गुजरात से यह यात्रा अभी महाराष्ट्र में आई। 2 महीने से ज्यादा समय हो गया। अभी महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से बंगाल, बंगाल से झारखंड, झारखंड से ओडिशा, ओडिशा से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और हैदराबाद 13 दिसंबर में पहुंचे। 14 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मानसिक के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए यात्रा स्थगित रहेगी। 1 जनवरी 2020 से ये परिवर्तन यात्रा दोबारा साउथ इंडिया में शुरू होगी। कर्नाटक, कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरला और आखिरी पड़ाव कन्याकुमारी का होगा। कन्याकुमारी से आगे भारत की कोई सीमा नहीं है, समंदर लगता है। अगर और भी कोई सीमा आगे होती तो हम और भी आगे इस लड़ाई को जरूर लेकर जाते। साथियों, ये परिवर्तन यात्रा ईवीएम मशीन का भंडाफोड़ करने के लिए निकली है। इस पर आंदोलन के 2 बड़े मकसद है। पहला मकसद ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अपना राज दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर विभाजित किया था। मगर अंग्रेजों के आने के 2500-3000 साल पहले ब्राह्मण यूरेशिया से भारत में आए और यूरेशिया से आकर यहाँ के लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा और जब ब्राह्मण उसके 2500-3000 साल पहले आए तो उन्होंने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1700 जातियां अकेले शेड्यूल कास्ट की है, 800 से ज्यादा ट्राइब्स आदिवासियों के हैं, 3743 जातियां ओबीसी की है। अगर ये सारा मिला दो तो 6000 से ज्यादा होती है। साथियों, अंग्रेज लोगों ने हमें हिंदू और मुसलमान 2 हिस्सों में बांटा था, ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं और ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। अगर कोई मुझे ये पूछे कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है तो मैं आपको गणित से इस सवाल का जवाब दे सकता हूं कि अगर 6000 को हिंदू मुसलमान जो 2 हिस्सों में अंग्रेजों ने बांटा था, इस 2 संख्या से 6000 का भागाकार कर लो तो आंकड़ा निकलेगा 3000। तो ब्राह्मण 3000 गुना अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक है। फर्क इतना है कि वो जो लोग हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ छुपकर करते हैं और पता चलने नहीं देते हैं और इसलिए हमारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। जानकार लोगों को ही जानकारी होती है और मीडिया में उनकी किसी प्रकार की कोई खबरें नहीं आती है। मैं सारे देश भर में जो तथ्य, जो फैक्ट बोलता हूँ वो किसी अखबार में कभी कोई छापा नहीं जाता। मेरे ऊपर जो मीडिया के लोगों ने पाबंदी लगाई है वो सारा तथ्य मैं जो लोगों के सामने बोलता हूँ इस वजह से, मगर वो लोग मेरे बोलने पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ये सत्य हम सारे देश भर में लोगों को बता रहे हैं। साथियों, हम लोग बांटे हुए लोग नहीं हैं, हम लोग बटे हुए लोग नहीं हैं, बांटे हुए लोग हैं। इसलिए हमने सबसे पहला लक्ष्य रखा है, उद्देश्य रखा है, वो है ये बांटे हुए लोगों को जगाना होगा, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा
जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति निर्मित शक्ति का उपयोग और प्रयोग मुक्ति और आजादी के लिए करना होगा। ये पहला लक्ष्य है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है 23 मई को ईवीएम मशीन का रिजल्ट बाहर आया और 303 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव जीता और टोटल गठबंधन में दूसरे दल मिलाकर 351 सीटें बीजेपी और गठबंधन के एनडीए ने जीती। तो उसकी जो सोशल साइट क्विंट की सोशल साइट ने खबर छापी कि 373 सीटों में से 220 सीटों में 54 लाख से ज्यादा वोट निकले, यानी आपने 100 वोट डाले, मशीन ने 120 निकाले, उदाहरण के लिए। तो ये जो आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये आंकड़ा चुनाव आयोग के साइट पर जो है उसके आधार पर। तो क्विंट का जो सोशल मीडिया है उन्होंने ये आंकड़ा बताया कि 373 सीटों में से 220 सीटों पर 54 लाख से ज्यादा वोट ईवीएम ने निकाले। ज्यादा निकाले इसका अर्थ है उन लोगों को जिताने के लिए निकाले, इसका अर्थ है। और 153 जगह पर कम वोट निकाले, इसका मतलब हरवाने के लिए निकाले। ये खबर क्विंट के सोशल मीडिया में छपी और जब उन्होंने चुनाव कमिश्नर को ये डाटा बताया और पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो उनका कोई जवाब नहीं था, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। इसलिए ईवीएम मशीन वोटों की चोरी करती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी का क्या मतलब है? वोटों के चोरी का मतलब है आप जिसको चुनना चाहते हैं ईवीएम मशीन उसको चुनने नहीं देना देती है, और आप जिसको हरवाना चाहते हैं उसको ईवीएम मशीन हरवाने नहीं देती है, बल्कि उसको जितवाने का काम करती है। इस वजह से लोकतंत्र खत्म हो गया, क्योंकि ये तो लोकतंत्र जनता के वोट से बनता है सारी दुनिया में, मगर ईवीएम मशीन के द्वारा ये जनता की इच्छा का प्रदर्शन नहीं होता और ईवीएम मशीन के द्वारा हारे हुए लोगों को जिताया जा सकता है। इसकी वजह से हम लोगों ने सारे देश भर में ये आंदोलन, ये अभियान शुरू किया। तो ये हमारा दूसरा मकसद है और इस मकसद को ध्यान में रखते हुए सारे देश भर में जागरण कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और लोगों की आंदोलन के लिए आने वाले समय में बड़े आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मीडिया वाले इसकी कोई खबर नहीं बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े शब्द है, आपको समझने के लिए दिक्कत होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है मैं एक शब्द में आपको बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है ईवीएम ईमानदारी से चुनाव नहीं करवा सकते। इसका दूसरा मतलब है ईवीएम बेईमानी से चुनाव करवाएंगे। साथियों, तो ये केस लेकर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिसमें ये जजमेंट दिया गया, ये जो जजमेंट दिया गया, ये जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 को दिया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इतने साल हो गए अखबार वालों ने, टीवी वालों ने खबर नहीं छापी। वामन मेश्राम की खबर वो छापते नहीं है, मगर
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर, इतना बड़ा फैसला, इतने बड़े फैसले की खबर उन्होंने नहीं छापी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था ये लैंडमार्क जजमेंट था और इसकी फ्रंट पेज पर लीड न्यूज में खबर आनी चाहिए थी, इस पर एडिटोरियल लिखना चाहिए था, इस पर एक्सपर्ट लोगों का ओपिनियन देना चाहिए था। और जैसे दिल्ली में एक लड़की पर बलात्कार हुआ था तो सारे देश भर में मीडिया वालों ने अभियान चलाया था उसको न्याय दिलाने के लिए, बहुत अच्छा काम मीडिया वालों ने किया था, मगर 130 करोड़ की जनसंख्या वाले लोकतंत्र पर ईवीएम ने बलात्कार किया उसकी खबर को मीडिया ने नहीं छापा। एक लड़की पर बलात्कार हुआ उसके लिए अभियान चलाया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मगर 130 करोड़ की लोकसंख्या पर, लोकसंख्या वाला जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, उस पर बलात्कार किया उसकी खबर को नहीं छापा, सुप्रीम कोर्ट की खबर को नहीं छापा। सुप्रीम कोर्ट की खबर को अगर मीडिया ने नहीं छापा तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत का जो प्रिंट मीडिया है, टीवी वाला मीडिया है, ये देशद्रोही मीडिया है, ये मीडिया देशद्रोही मीडिया है। और मैं लगभग दो महीने से ये कह रहा हूं कि ये जो मीडिया है ये देशद्रोही मीडिया है, तो किसी मीडिया वालों ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और ना वो जवाब देने वाला है। अगर मैं देशद्रोही कह रहा हूं तो उनको मेरे खिलाफ केस दायर करना चाहिए, केस भी नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं ही केस कर दूं। तो मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रेस काउंसिल में पहले नोटिस दो और प्रेस काउंसिल के द्वारा इसकी जांच पड़ताल किया जाए कि इस खबर को वास्तव में छापा नहीं है, क्यों नहीं छापा। तो जल्दी ही वो नोटिस मैं इशू करने वाला हूं, और क्योंकि उसका जो चेयरमैन होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है तो उसको ये करना होगा, ये जांच करना होगा, नोटिस इशू करना होगा अखबार वालों को और टीवी वालों को, और अखबार वालों को जवाब देना होगा कि उन्होंने छापा है तो सबूत लाओ, नहीं छापा है तो क्यों नहीं छापा। वामन मेशराम की खबर को नहीं छापते ठीक है, मगर सुप्रीम कोर्ट की खबर को नहीं छापा। तो साथियों ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सारे देश भर में मैं अभियान लोगों को जागृत करने के लिए शुरू किया। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो वो बीजेपी का राज्यसभा का मेंबर है, उस केस लेकर गया था, तब वो बीजेपी का मेंबर नहीं था, बाद में बीजेपी में उसको शामिल किया गया, वो एक साजिश का हिस्सा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए, उनका कहना, उनकी दो बातें थी। एक उनका कहना था कि 2004-2009 में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, ईवीएम में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता और ईवीएम में चार बड़े फॉल्ट है, दोष है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा कि पहले नंबर का फॉल्ट यह है कि वोटर्स जब वोट डालने के लिए जाता है तो बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, मगर वोटर्स को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता कि वोट जिस कैंडिडेट के नाम पर मैंने डाला है उसके नाम पर वोट जमा हुआ है या नहीं हुआ है, आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं उदाहरण के लिए आपको बात समझाने के लिए ये बात थोड़ा समझाना चाहता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए कि पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, तो आप जब चुनाव आयोग के कर्मचारी आप लोगों को कागज का स्लिप देते थे, वोटर स्लिप देते थे, जब देते थे तो आप देखते थे कि आपने घर से सोच कर आए, आप जिस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसका निशान कहां पर है, ये देखते थे, और देखने के बाद मोहर उठाकर, स्टैंप उठाकर वहां मोहर लगाते,
लगाने के बाद भी दोबारा देखते हैं कि मेरी मोहर जिस कैंडिडेट को मैं वोट देना चाहता हूं उसी कैंडिडेट के निशान पर सही जगह लगी है या नहीं लगी। वो दोबारा देखकर वो इंश्योर करते, खातरी करते, गारंटी करते कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसी कैंडिडेट के नाम पर मेरा वोट जमा हुआ है या नहीं है। जब गारंटी होती तो वो फोल्ड करते और बैलेट बॉक्स में डाल देते और निश्चित होकर घर में जाते कि मैंने जिस कैंडिडेट को वोट दिया मेरा वोट उसी के नाम पर जमा हो गया। ऐसा बैलेट पेपर के दौरान लोगों को लगता था। ईवीएम मशीन में क्या होता है, जैसे अनपढ़ आदमी है वो वोट डालने के लिए जाता है, बटन दबाता है, लाइट जलता है, बिपकावा होता है, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता कि मेरा वोट किसके नाम पर जमा हो। तो वो देखता है कहां गया भाई वोट मेरा, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आते उसके पास, बाबा हो गया। अच्छा हो गया, हो गया, कहां से आया, इधर से, इधर। तो सोचता सोचता जाता कि सारे आयोग ने चुना तो नहीं लगाया ऐसा मेरे वोटों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं किया। ये सोचते सोचते जाता जाता हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसा सोचते सोचते गए और मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वोट वोटर्स को आंखों से दिखाई नहीं देता, बैलेट पेपर में दिखाई देता था, ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता। और ईवीएम मशीन के अंदर वोट जाने के बाद वो किसके नाम पर जमा होता है ये पता नहीं चलता। मैं आपको एक सबूत देता हूं ताकि आपको पता चले। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद में महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, अमरावती में प्रोफेसर राणे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वो अपने पड़ोसियों को, अपने बीवी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को बूथ में वोट डालने के लिए लेके गए। जब काउंटिंग हुआ तो जीरो वोट निकला। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि मेरे पड़ोसियों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मेरे समर्थकों ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं। इवन मेरे बीवी ने मुझे वोट नहीं दिया होगा, कभी कभार जिंदगी में मैंने झापड़ झूपड़ मारा होगा, उसने सोचा होगा कि प्रोफेसर को सबक सिखाने का अच्छा मौका है और उसने इसी वजह से मुझे वोट नहीं दिया होगा, ये भी मैं मानने के लिए तैयार। मगर मैं प्रोफेसर हूं, इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट नहीं डालूंगा। अरे कम से कम एक वोट तो निकालते कि प्रोफेसर को एक वोट मुझ में निकला, वो पत्रकारों को कहने लगे। पत्रकारों ने उसको कहा, प्रोफेसर हाँ हाँ कम से कम एक जरूर निकाला जाना चाहिए, हमारी पूरी सहानुभूति आपके प्रति है। उसने सोचा कि सला अचार होता तो चाट लेता, सहानुभूति को तो मैं चाट भी नहीं सकता। तो उसने वहां से मुझे टेलीफोन किया और टेलीफोन किया और कहा कि मेश्राम जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या करूं। मैंने कहा रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन कर दो, एप्लीकेशन करो और कहो विधानसभा में जितने बूथ है सारे सारे जो बूथ है सारे बूथ का डाटा मांगो और रिटर्निंग ऑफिसर ने सारा डाटा लिख कर दे दिया। उसमें जीरो वोट निकला उस बूथ का भी डाटा उसने स्टैंप और साइन लगा के दे दिया। मैंने वो डाटा वो कागज एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को दिया। तो मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं कि उसको जीरो वोट निकला, इसी तरह से जब आप बटन दबाते हो लाइट जलता है, बिप का आवाज होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जाने के बाद वो वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा
ये पहले नंबर का फर्क है, सबूतों के साथ बोलना। दूसरी बात, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि जब ये वोट ईवीएम मशीन के अंदर जाता है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है ईवीएम मशीन। जैसे बैलेट पेपर में आप वोट डालते हो तो जब ये बैलेट बॉक्स में जाता है, जाता था, तो उसका फिजिकल एविडेंस कानून था 6 महीने तक चुनाव आयोग को रखना पड़ता था, तो इसका फिजिकल एविडेंस रहता था। ये फिजिकल एविडेंस रहता था इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ भी थोड़ा समझा। जब आप वोट डालने के लिए जाते थे, मान लो आपने कमल के फूल को स्टैंप लगाया, जब आपने स्टैंप लगाया और बैलेट बॉक्स में डाल दिया कमल के फूल को, फिर दूसरा वोटा दूसरा आदमी आया, उसने पंजे को स्टैंप मारा, उसने फोल्ड करके डाल दिया, इसका मतलब यह है कि कमल के फूल का फिजिकल एविडेंस है, कमल के फूल का फिजिकल एविडेंस है और पंजे का भी फिजिकल एविडेंस है। कमल के फूल पर भी स्टैंप लगा हुआ है और पंजे पर भी स्टैंप लगा हुआ है, दोनों पर स्टैंप लगा हुआ है और दोनों का अलग अलग फिजिकल एविडेंस है। जब दोनों का अलग अलग फिजिकल एविडेंस है तो पंजे वाला स्टैंप कमल के फूल में मिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का फिजिकल एविडेंस अलग अलग है और अलग अलग रहने से उसको अलग अलग रखा जा सकता है, अलग अलग पहचाना जा सकता है, अलग अलग मिक्स करने के बाद पकड़ा जा सकता है, इसलिए मिक्स नहीं किया जा सकता। मगर ईवीएम मशीन में इस तरह का कोई फिजिकल एविडेंस ही नहीं होता है। आपने बटन दबाया, लाइट जलते हैं, बीप का आवाज होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपका वोट चला जाता है, वो केवल संख्या रहता है, पहली संख्या कमल के फूल की, दूसरी संख्या पंजा की, पंजा की संख्या कमल के फूल में जाके मिक्स हो जाती है, कमल का फूल 1 का 2 हो जाता है और पंजे 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एविडेंस नहीं है। फिजिकल एविडेंस होता तो अलग अलग रखना पड़ता, केवल संख्या है, 1 की संख्या में दूसरी संख्या जाकर मिक्स हो जाती है और उसका वोट घट जाता है और दूसरे का वोट बढ़ जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जाने के बाद होता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है ये दूसरे नंबर का फॉल्ट है। तीसरे नंबर का फॉल्ट यह है कि फिजिकल एविडेंस ना होने की वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब है भौतिक सत्यापन नहीं हो सकता। हमारे लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन का क्या मतलब है समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको समझाता हूं फिजिकल वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं। जैसे पहले बैलेट पेपर होता था और बैलेट पेपर होने के बाद में कभी कोई कोई कैंडिडेट हार जाता था तो वो कहता था कि मुझे यह हार मंजूर नहीं है, दोबारा गिनती करो। दोबारा गिनती होती थी तो दोबारा गिनती करने का कानून था। वो कैसे होता था, जैसे पहले गिनती होती थी तो 50-25 के गट्ठे बांधे जाते थे, तो बांधे हुए गट्ठे रिकाउंटिंग में दोबारा गिनती में खोले जाते थे, तो खोलने के बाद एक एक वोट गट्ठे से उठाया जाए, एक वोट उठाया किसका, पंजे का है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं काउंटिंग में उसको दिखाया जाता, देखा भाई पंजा 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 में जमा करो, कांग्रेस में जमा, ये किसका है, कमल का फूल, चलो ये देखो कमल का फूल, ये बीजेपी के खाते में जमा करो, ये किसका है, अच्छा झाड़ू वाले का है, चलो ये झाड़ू वाले में जमा करो, एक इसका डाड़ वाले का, गडाड़ वाले में जमा, एक हाथी वाले का, हाथी में जमा करो। ये जो देखना, देखने का मतलब है वेरिफिकेशन करना, और वेरिफिकेशन करके उसे पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा करना, उस क्रिया को बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। ये फिजिकल वेरिफिकेशन फिजिकल एविडेंस ही नहीं है ईवीएम में तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। जब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो सकता
तो ईवीएम मशीन जो चुनाव में मान लो 11 कैंडिडेट खड़े, 11 के 11 कैंडिडेट का वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है और पता भी नहीं चलता। तीसरा फॉल्ट। चौथा फॉल्ट क्या है? चौथा फॉल्ट यह है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो रिकाउंटिंग की सिस्टम ही ईवीएम मशीन में नहीं है। ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग की सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग की सिस्टम को क्यों नहीं रखा गया? ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग की सिस्टम इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि रिकाउंटिंग अगर होती तो चोरी सारी की सारी पकड़ी जाती। इसलिए ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग की सिस्टम ही नहीं रखी गई है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा ये चार फॉल्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने माना कि बहुत गंभीर मामला है, उन्होंने दो जगह नोटिस इश्यू किया, भारत सरकार को कहा जवाब दो, चुनाव आयोग को कहा जवाब। भारत सरकार को जब नोटिस मिली तो सरकार मनमोहन सिंह की और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, इनको नोटिस मिली। नोटिस मिलते ही सरकार में हंगामा हो गया और बहुत ज्यादा उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं हमने 4 और 9 में जो घोटाला करके चुनाव जीता चोरी न पकड़ी जाए। इतने में उनको दूसरी खबर सुनने को मिली कि चंद्रा बाबू नायडू के साथ मिलकर अडवाणी देश भर में रथ यात्रा निकालने वाले हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने सोचा इसको रोकना पड़ेगा। तो आरएसएस के पास गए, आरएसएस को कहा कि अडवाणी को रोक, कहा कि रोकेंगे, मगर हमें क्या फायदा होगा? कहा कि आपको भी फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि 2014 में आप घोटाला करके जीतो, सरकार हमारी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया है, सारे देश भर आपको मदद करेंगे और अखबार वाले मीडिया वाले भी आपकी मदद करेंगे पूरी तरह से, तो आप हमारी इसमें अडवाणी जी को रथ यात्रा निकालने से रोको। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा हमें क्या फायदा होगा, तो कांग्रेस ने कहा 2014 का चुनाव घोटाला करके आप जीते। आरएसएस ने कहा आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमको एक कई बार घोटाला करने की बात कह रहे हैं, ये बराबरी की बात नहीं। तो कांग्रेस ने उनको कहा आप भी 2 बार करना चाहते हैं, आप तो देशभक्त लोग हैं। कहा कि यहां देशभक्ति का मामला कहां पे, यहां तो बदमाशी का मामला है, आपने बदमाशी किया और हमको बदमाशी करने के लिए इसलिए अलाउ कर रहे हैं क्योंकि आपके बदमाशी के बारे में हम चुप रहे, यही ना आप कहना चाहते हैं? जब आपके बदमाशी के बारे में हम चुप रहे तो हमारे बदमाशी के बारे में आपको भी चुप रहना होगा। तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, मगर आप, कांग्रेस ने कहा ठीक है आप 2 बार करना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप हमारे 2 बार के घोटाले के बारे में चुप रहो, तुम्हारे घोटाले के बारे में, बीजेपी के घोटाले के बारे में कांग्रेस चुप रहेगी। मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोल रहे, सोनिया गांधी कुछ नहीं बोल रही, राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल रही, कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोल रहे, चुप थे। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चुड़ी चुप, कुछ नहीं बोल रहे। तो ये सबूत के तौर पर आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस इस सारे षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल है। और जब ये बात सामने आई और तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट में, जब चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया ईवीएम मशीन में फॉल्ट है। जब ईवीएम मशीन में फॉल्ट है चुनाव आयोग ने मान लिया, जब चुनाव आयोग ने मान लिया तो मानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को कहा ठीक है अभी आपकी बात हमने मान लिया है कि इसमें दोष है, मगर
अगर ईवीएम को चुनाव में रखा जाए तो क्या आप ईवीएम में जो दोष है उसको दूर करने के लिए आपके पास कोई सुझाव है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा हाँ सुझाव है। क्या सुझाव है? कहा कि ईवीएम मशीन बनाने के पहले एटीएम मशीन थी, हाँ एटीएम मशीन थी, एटीएम मशीन में जब कोई आदमी पैसा निकालने के लिए जाता था तो रसीद आती, 1 तारीख को 12:13:14 को आपने 5,000 निकाला, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया था, 95,000 बकाया राशि आपके अकाउंट में बाकी है, ये रसीद आती और रसीद काट लेता है ग्राहक और देखकर तसल्ली कर लेता है कि ईवीएम मशीन ईमानदारी से काम कर, एटीएम मशीन ईमानदारी से काम कर रही है, एटीएम मशीन के बाद ईवीएम आई। अगर एटीएम मशीन के बाद ईवीएम आई तो वोटर्स जब वोट डालने के लिए जाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, तो ईवीएम मशीन वोटर्स को एटीएम की तरह रसीद क्यों नहीं देती कि वोटर्स ने फलाने कैंडिडेट को वोट दिया? अगर एटीएम की टेक्नोलॉजी हमारे देश में अवेलेबल है, अमेरिका, जापान, जर्मनी से लाने की जरूरत नहीं है, तो एटीएम बनाने वाले कंपनी ने, ये ईवीएम बनाने वाले कंपनी ने एटीएम की टेक्नोलॉजी को ईवीएम में क्यों नहीं लगाया? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑर्डर, चुनाव आयोग को ऑर्डर दिया जाता है एटीएम की टेक्नोलॉजी को ईवीएम में लगाया जाए, और जब उन्होंने ऑर्डर दिया तो चुनाव आयोग ने एक नई मशीन बनाई, मशीन का नाम रखा वीवीपीएट, पेपर ट्रेल, नागालैंड में उसकी प्रयोग किया, उसका रिपोर्ट तैयार किया, 1 अक्टूबर 2013 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, रिपोर्ट पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 8 अक्टूबर 2013 को कि 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उस चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, मगर चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन के साथ साथ पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई 2014 में। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा की मेंबरशिप देकर चुप करा दिया गया, जीवीएल नरसिंह राव को राज्यसभा का मेंबर बनाकर उसे भी चुप करा दिया गया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको केरला का गवर्नर बनाकर उनको भी चुप करा दिया गया। ये आपको कौन बताएगा? जो जानकार लोग थे उनको सभी को चुप करा दिया गया, इसलिए किसी को पता कुछ नहीं चला। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया, बीजेपी को 31% वोटों के आधार पर 283 सीटें मिली। भारत के संसदीय चुनावी इतिहास में आज तक 31% वोटों के आधार पर 272 सीटें कभी किसी को नहीं मिली। जब 31% वोटों के आधार पर 272 सीटें नहीं मिली तो 31% वोटों के आधार पर बीजेपी को 2014 में 283 सीटें कैसे मिली? यह सवाल जब मेरे मन में पैदा हुआ तो मैंने जून महीने में इसके विरोध में अभियान शुरू कर दिया, और जब मैं दादर में भाषण कर रहा था तो सुनने वालों में से एक लड़का दौड़ते भागते मेरे डायस के पास आया, उसने इकोनॉमिक टाइम्स का अंक रखा, मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि बड़ी खबर है, भाषण के बाद पढ़ लेना, भाषण समाप्त तो होते ही मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद बड़ी खबर ये थी कि चुनाव आयोग ने 8,00,000 ईवीएम मशीन को कबाड़ में भंगार में बेचने का आदेश दिया। मैं चौंक गया कि जिन मशीनों पर 16 मई 2014 को रिजल्ट निकाला गया वो जून 2014 में कबाड़ कैसे हो, और वो भी 2-4 मशीनें नहीं, 8,00,000 मशीनें कैसे होंगी? तो मैं हाईकोर्ट के लॉयर के पास गया, उनको कहा केस करना है, उन्होंने कहा सबूत क्या है, तो कहा अखबार की खबर है, कहा अखबार की खबर को सबूत हाईकोर्ट नहीं मानती है, कोई ठोस सबूत ले आओ। मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और पूछा कि क्या ये खबर छपी है
तो क्या आपने ऐसा कोई ऑर्डर निकाला है? कहा कि है, एक महीने में उन्होंने ये लिख कर दिया 8 लाख ईवीएम मशीन को कबाड़ में बेचने का हमने आदेश दिया, चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया, फाइनल हो गया, एविडेंस मेरे पास आ गया। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि जब इसको आपने कबाड़ घोषित किया तो आप तो आईएएस अधिकारी होते हो कमिश्नर, आप टेक्निकल ऑफिसर तो होते नहीं हो। जब आप टेक्निकल ऑफिसर नहीं होते हो तो एक ईवीएम मशीन टेक्निकल है, उसे आप कबाड़ कैसे घोषित कर सकते हो? आपके पास तो कॉम्पिटेंसी ही नहीं है, आप कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि आप टेक्निकल नहीं है। तो क्या आप लोगों ने कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई? कितने लोगों की कमेटी बनाई? उनके नाम क्या थे? उनका टेलीफोन नंबर क्या था? उनका लैंडलाइन नंबर क्या था? उनका पोस्टल एड्रेस क्या था? कृपया दिया जाए और उसका आरटीआई में जो पैसा लगता है वो ले लिया जाए। फिर दूसरा, एक मैंने आरटीआई में लेटर डाला कि 4-5 हजार रुपए का मोबाइल खरीदते हैं तो गारंटी वारंटी कार्ड दिया जाता है और उसमें लिखा होता है ये 6 महीने तक चलेगा, साल भर चलेगा, तो ये कई कई हजार करोड़ की आपने मशीनें खरीदी तो उसका वारंटी गारंटी कार्ड भी चुनाव आयोग को दिया होगा कंपनी ने, तो वो कार्ड भी हमें दिया जाए ताकि हमें पता चले कि ये मशीनें जो आपने कबाड़ में बेची है तो क्या ये वास्तव में 2014 तक ही चलने वाली थी या 15-16-17 में चलने वाली थी। अगर मान लो 15-16-17 में चलने वाली थी तो आपने 2014 में उसे कबाड़ में बेचने का आदेश क्यों दिया? इससे सिद्ध हो रहा था कि चुनाव आयोग इस बात से डरा हुआ था कि ईवीएम मशीन के अंदर जो डाटा है उस डाटा में सारे सबूत है घोटाले के। अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट गया और ईवीएम मशीन को सील लगाने का आदेश लेकर आ गया तो सारा का सारा सबूत तो घोटाले का ईवीएम में रहेगा, ये तो फिर तो चुनाव आयोग को और कमिश्नरों को फांसी की सजा हो जाएगी, तो बहुत भयंकर मामला है। इसलिए उन्होंने इसे कबाड़ में बेचकर सबूत को नष्ट करने का प्लान बनाया। जैसे एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर में लोहा है, सॉफ्टवेयर में डाटा है, जब इसको कबाड़ बनाया जाता है तो सारा का सारा लोहा बन जाता है, सबूत नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर ये डाटा खत्म करने का मामला किया। फिर बाद में मैंने एक और लेटर लिखा चुनाव आयोग को, पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको पेपर ट्रेल मशीन लगाने का 2014 में आदेश दिया तो आपने क्यों नहीं लगाया? चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी के बाप का पैसा है, टाटा बिरला अंबानी तो अपने पैसे का मालिक होता है, प्रधानमंत्री तो केवल ट्रस्टी होता है, मालिक थोड़ी होता है, कानून के अनुसार उसको खर्चा करने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट में जब पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए आदेश दिया तो आदेश प्रधानमंत्री के लिए बंधनकारक है क्योंकि कानून के अनुसार देश चलाऊंगा प्रधानमंत्री शपथ लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसको अमल करना होगा, कैसे नहीं देगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। जब केस दायर किया तो मेरे केस में प्रधानमंत्री को 3,567 करोड़ रुपए देने के लिए मैंने मजबूर किया, और जब ये 3,567 करोड़ रुपए दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन हर ईवीएम मशीन को लगाई जाएगी, 2019 के चुनाव में आपने हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जो लगाई हुई देखी वो वामन मेश्राम की लगाई हुई है, किसी अखबार में खबर नहीं छापी आज तक। और मैं भी कोई श्रेय लेने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, मैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोकतंत्र बचेगा तो हमारी संविधान बचेगा, अधिकार बचेगा, वोट का अधिकार बचेगा, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे, श्रेय लेने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं साथ ही, क्योंकि मैं तो पहले से नेशनल प्रेसिडेंट हूं, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूं, और कौन सा बनने वाला मुझे और बनने का क्या, पहले से ही हूं। और इसीलिए साथियों, तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये जानकारी अपने आप में बहुत सीरियस, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। चुनाव आयोग ने जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाओ, तो चुनाव आयोग ने नहीं लगाया उसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई।
चुनाव जब 8 अक्टूबर 2013 को ऑर्डर दिया तो चुनाव आयोग ने ऑर्डर को पढ़ा कि प्यारा नंबर 28 में एक और दूसरा ऑर्डर है। उस ऑर्डर में लिखा है कि वोटर एक होगा मगर वोट का रिकॉर्ड दो होगा। कैसे? ईवीएम मशीन में एक वोटर का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा और पेपर ट्रेल मशीन में कागज का रिकॉर्ड होगा, दो रिकॉर्ड होगा। गिनती ईवीएम मशीन की ही होगी मगर कैंडिडेट को अगर गिनती ईवीएम मशीन की मंजूर नहीं होगी तो पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मतपत्र है उसकी गिनती करने का, मांग करने का अधिकार होगा। और उसके बाद ये मैनुअल काउंटिंग होगा। पैरा नंबर 28 में ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग ने जब पढ़ा तो उनको लगा ईवीएम मशीन में तो घोटाला होता है और पेपर ट्रेल मशीन में कागजी मतपत्र होने की वजह से घोटाला पकड़ा जाता है। अगर हमने कागजी मतपत्रों की गिनती करवा दी तो फिर तो घोटाला तो पकड़ा आ जाएगा। उन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी, उनको लिखा कि आपके कहने पर हम लोग घोटाला कर रहे हैं मगर इस ऑर्डर के बाद हम घोटाला करने के लिए तैयार नहीं है। आप क्यों? ये तो घोटाला पकड़ा जाएगा। कहा कि इसका क्या उपाय है? कांग्रेस की सरकार ने, इसका उपाय क्या है? आपके उपाय है, क्या उपाय है? ये कागजी मतपत्रों की गिनती करने के लिए रोकना होगा। कि रोकेंगे कैसे? कहा कि रूल बनाना होगा। कौन सा रूल बनाना होगा? 56C नाम का रूल बनाया। चुनाव आयोग ने प्रस्ताव भेजा, कांग्रेस ने रूल पास किया, पास करके पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला कागजी मतपत्र की गिनती करने के लिए रोक लगा दी कांग्रेस। और रोक लगाकर कांग्रेस ने 2014 में बीजेपी चुनाव जीते इसकी व्यवस्था कर दी। सारे देश के मुसलमान कांग्रेस को बीजेपी के विरोध में जिताने के लिए मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और बीजेपी ने, कांग्रेस ने तय किया बीजेपी को जिताएगा। मुसलमानों ने तय किया कांग्रेस को बीजेपी के विरोध में जिताया जाए और कांग्रेस ने तय किया बीजेपी को जिताया जाए। क्यों? क्योंकि 4 और 9 में हमने घोटाला किया था तो बीजेपी वाले चुप है, इसलिए बीजेपी वालों को 14 और 19 में जितवाना होगा, ये हमारा समझौता है। और इसके लिए ये जो ऑर्डर है 8 अक्टूबर 2013 का अवरोध खड़ा कर रहा है, कागज की गिनती होने से घोटाला पकड़ा जाएगा, ये खतरा है, रोकना होगा। तो 56C नाम का जो रूल है ये कांग्रेस ने बनाया। तो 2014 और 2019 में कांग्रेस जो चुप है वो समझौते की वजह से है कि 10 साल हमने घोटाला करके राज किया, 10 साल हमने आपको घोटाला करने की इजाजत दी। अब 10 साल महाराष्ट्र में भी है, ये जो फडणवीस बोल रहा ना, कोल्हापूर मध्ये पूर येऊ द्या, सांगली मध्ये पूर येऊ द्या, बेरोजगारांना नोकरी मिळून काहीही विकास होऊ दे, झाला नाही तरी चालेल, रोजगार मिळाला नाही तरी चालेल, 222 जागा आमच्या निवडून येते कशा? अति विचारू नका। शिवसेना बरोबर असली तर 222 आणि नसली तर 160, नसली तर 160 आणि सरकार बनवायला पाहिजे किती? 145 म्हणजे 15 जागा जास्त। शिवसेनेला फडणवीस सांगून राहिला तुम्ही याल तर 222 आणि नाही याल तर 160, तुमची जरूरत नाही। क्योंकि उसको मालूम है कि ईवीएम हमारे साथ में है, तो ईवीएम साथ में है और कांग्रेस वालों के साथ समझौता है। 10 साल कांग्रेस ने राज किया महाराष्ट्र में, 10 साल हम लोगों को महाराष्ट्र में राज करने का समझौता है। तो अभी जो चुनाव हो रहा है ये तो पहले से फिक्स है।
तो ये सारा षड्यंत्र इस देश में चल रहा है और इस षड्यंत्र को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। 23 मई को जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट ने साबित कर दिया कि ईवीएम में घोटाला होता है। इतना ही नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2018 में जब कांग्रेस ने 56C नाम का रूल बनाया तो उसके विरोध में मैं सुप्रीम कोर्ट गया, तो कांग्रेस वाले मेरी केस सुप्रीम कोर्ट में थी तो बीजेपी को जितवाने के लिए कांग्रेस वाले सुप्रीम कोर्ट में गए और मेरी केस को सेबोटेज किया। मैं 56C नाम का रूल रद्द करने के लिए गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारा ईवीएम को विरोध नहीं है, पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाला जो कागजी मत पत्र है वो 50% मिलान किया जाए। मेरे वकील का कहना था जब 8 अक्टूबर 2013 को 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया जा चुका है तो कांग्रेस वाले 50% की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस वाले 50% की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो बीजेपी को जितवाना चाहते थे और जीत गए। जब 23 तारीख को शाम को 4 और 5 के दरमियान राहुल गांधी टीवी पर आए और एक भी रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ था बीजेपी के लिए, केवल रुझान दिखाई दे रहे थे, तो राहुल गांधी ने बयान दिया, मोदी जी बधाई हो आप जी, अबे एक भी सीट नहीं निकली अभी, वो अभी से बधाई दे दिया। तो वो एक कांग्रेस वाले ये सारे षड्यंत्र में शामिल है और मैं सारे देशभर में कह रहा हूं कांग्रेस का मतलब सोनिया गांधी, मैं वामन मेजराम जो कह रहे गलत है नहीं कह रही है, राहुल गांधी कह नहीं रहा गलत है, प्रियंका गांधी नहीं कह रही गलत है, कांग्रेस का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं कह रहा गलत है, महाराष्ट्र का कांग्रेस वाला कोई आदमी नहीं कह रहा गलत है। क्यों जानते हो? मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भाई, उसके मुंह पर फेंक के बारे में कांग्रेस वालों के, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उनको भी मालूम है कि वामन मेजराम जो है वो माइक पर बाद में बोलता है, सबूत पहले रखता है, तो मेरे झंझट में कोई नहीं पड़ता, मैं सबूत पहले रखता हूं बोलता बाद में, और कानून के दायरे में रहकर संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदि हूं और मैं बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात करता हूं मगर मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं दाखिल कर सकता। यही वजह है यहां पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम की पब्लिसिटी करने के लिए यहां पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने परमिशन इनकार किया, यहां के लोगों ने हमको टेलीफोन किया कि परमिशन नहीं दे रहा, उसके बाप की जागीर है क्या परमिशन नहीं दे रहा है? पुलिस कमिश्नर हुआ तो क्या बाप की जागीर थोड़ी है उसकी, कैसे नहीं देगा? नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो, ज्यादा कुछ मत करना, ये एप्लीकेशन दे दो। ये एप्लीकेशन में क्या लिखा? दो बातें लिखो, एक आपने संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, आपके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे, भाई इतना लिख कर दे दो। तो हमारे लोगों ने लिख कर दिया, लिख कर देने के बाद कमिश्नर ने इनको बुलाया, कार्यकर्ता को बुलाया, बुलाया और कहा अरे आप मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर करेंगे तो मैं क्या जवाब दू? कमिश्नर हमारे लोगों को पूछ रहा है मैं क्या जवाब दू? अरे आपको जवाब देना है, हमको थोड़ी देना है भाई, आपको सोचना है। ताकि मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, तुम ऐसा करो तुम्हारा एप्लीकेशन पीछे ले लो हाईकोर्ट में केस दायर करने का और मेरे से परमिशन लेके जा। ओके, कानून के दायरे में रहकर, जैसे कानून के दायरे में हम रहते ना, दूसरे लोगों की भी पाबंदी है कानून के दायरे में रहकर काम करो, और कानून के दायरे में रहकर काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। इसलिए आपको बता रहा हूं, उन लोगों को कांग्रेस वालों को मालूम है कि मैं कानून के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं और इसीलिए मैं उन लोगों को नंगा कर रहा हूं कि बीजेपी के लोग तो बदमाश है ही है मगर बीजेपी के लोग 10 साल चुनकर आ जाए इसके लिए कांग्रेस वाले मदद कर रहे हैं उनकी, ये मैं कह रहा हूं। और ये बात मौलाना साहब, ये बात मुस्लिम लोगों को मालूम नहीं, जैसा आप कहते ना ये कांग्रेस जो है ये छुपकर काम करती है, ये बात सही है, वो छुपकर काम करती है और बीजेपी वाले नंगे लोग है, वो साले खुल्लम खुल्ला करते हैं,
मुसलमान को पकड़ते हैं, धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, हत्या कर देते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डालते हैं, बोलते हैं हम जिम्मेवार हैं। ऐसा तो साला कोई नहीं करता। कांग्रेस वाले सब कुछ करते हैं, नहीं नहीं बोलते, हमको तो पता ही नहीं, सब कुछ करते हैं। और मुसलमानों मतलब मालेगांव में मामला करवाए, सब उनको बताया और मुसलमानों को ही पकड़ा, और वो सारे मुसलमान नौजवान निर्दोष थे। जब हमने मौलाना के साथ मिलकर आंदोलन चलाया तो लास्ट में उनको निर्दोष बना करके छोड़ दिया। 11 साल अंदर रखे, 11 साल अंदर रखा, फिर निर्दोष छोड़ दिया। सोलापुर के दो नौजवानों को भोपाल में एनकाउंटर में मार दिया, और जब मार दिया तो ये जब पकड़ा गया तो सुशील कुमार जी होम मिनिस्टर थे, जिसको हमारे मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर वोट दिलवा करके चुनवा कर लाया सोलापुर के मुसलमानों ने। तो मैं यही समझाना चाहता हूं कि भाई आप लोग अगर जालिमों को ताकतवर बनाओगे तो जालिम तो जालिमाना हरकत करेगा, मजलूमों के साथ मिलजुल कर इत्तेहाद कायम करो, ये इत्तेहाद ही इस जालिमाना हरकत को रोकने का काम कर सकता है। जालिम के चरित्र को नहीं बदला जा सकता, जालिम को कमजोर किया जा सकता है। जालिम के चरित्र को नहीं बदला जा सकता, जालिम को कमजोर किया जा सकता है, ताकि वो हमारे विरोध में जालिमाना हरकत ना कर सके। ये काम मुसलमानों को करना चाहिए, ये करने के बजाय वो जालिम को ताकतवर बनाते हैं, इस वजह से संकट है। ये संकट मुसलमानों को दूर करना है। मुसलमान ये संकट नू दूर नहीं करेंगे और डर कर बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को साथ देंगे तो बीजेपी को तो मालूम हो जाए कि मुसलमान कांग्रेस को साथ दे रहा है, तो पिटाई करते रहेंगे। पिटाई हो रही है, मॉब लिंचिंग तो हो रहा है। मॉब लिंचिंग के विरोध में एक भी आवाज कांग्रेस ने आज तक नहीं उठाई, एक भी आवाज नहीं उठाई। तो ईवीएम मशीन की वजह से देश में बहुत संगीन हालात पैदा हो गए हैं, और जब इसके विरोध में आंदोलन शुरू होने की संभावना है, मैं रीजनल पार्टियों के साथ वार्ता कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं, और हमारी वार्ता राज ठाकरे के साथ में भी है। राज ठाकरे को चुप कराने के लिए नोटिस इशू कर दिया। बीजेपी वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नेता, तो राज ठाकरे को क्यों डर रहे हैं? बहुत बड़े नेता तो राज ठाकरे तो रीजनल पार्टी का नेता है, तो डर काहे के लिए रहे? राज ठाकरे कोई नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नेता नहीं है, तो फिर डर काहे के लिए रहे हो? नोटिस काहे के लिए दे रहे हो? इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन की वजह से पोकड़ नेता पैदा हो गए। पोकड़, ये नरेंद्र मोदी पोकड़ नेता है। ईवीएम मशीन मुड़े पोकड़ नेते तैयार होता है। संसदे मध्ये बहुमत आणि जनते मध्ये अल्पमत, संसदे मध्ये बहुमत जनते मध्ये अल्पमत। ज्यांचा संसदे मध्ये बहुमत असते आणि जनते मध्ये अल्पमत असते असे नेते पोकळ नेते मानले पाहिजे। नरेंद्र मोदी पोकळ नेता आहे। पोकळ, पोकळ समजतं मराठी मधलं? तुम्हाला समजेल तो शब्द ग्रहद्रा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में आने वाले समय में जो सारे देश भर में जागरण कर रहे हैं, रीजनल पार्टियों के साथ वार्ता भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन अगर शुरू हो जाए तो मेरा यकीन है, विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा साल भर में ईवीएम के विरोध में बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल चलेगी, मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसको संसद में बहुमत है, जनता में अल्पमत है। अगर रीजनल पार्टी के लोग इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों का एक मकसद है रीजनल पार्टियों को खत्म किया जाए। पहली रीजनल पार्टी मन से ईवीएम ने खत्म कर दी। रीजनल पार्टी ईवीएम का एक बड़ा मकसद है रीजनल पार्टियों को खत्म करना, और दूसरा बड़ा मकसद है
कि जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं उनके वोट के अधिकार को खत्म करना। तो इसके विरोध में बड़ा आंदोलन किए बगैर हमारे सामने कोई विकल्प नहीं। पहले एमएलए वोट मांगने के लिए जब आते थे, ईवीएम नहीं था, तो वो कांबले साहब के घर में सामने रहते थे। कांबले साहब जरा आमच्या लक्ष ठेवा, अभी आमदार आईच नहीं रहा है। कांबले साहब पहले तो वो कांबले को कांबले बोला, कांबले इकडे कुठे चला रे, है निवडणूक आहे। कांबळे साहेब, कांबळे आणि साहेब लक्षित अभी वो आई नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? बोलता ईवीएम से चुनना है तो कांबळे के पास जाने की जरूरत क्या है, साला कांबळे आउट हो गया। तो इसीलिए कांग्रेस वाले पहले मौलानाओं के साथ वार्ता करते थे, बंद हो गई सारी वार्ता, बंद हो गई। किसी मौलाना को अभी कोई कांग्रेस वाले पूछ नहीं रहे, क्यों? ईवीएम होने के बाद ये किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, खत्म कर दिया जरा। तो क्यों? इसका मतलब है हम लोगों का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वोट जीरो हो गया, हमारा वैल्यू खत्म हो गया। तो हमारे सामने आंदोलन किए बगैर कोई विकल्प नहीं है। अगर हमारी पूछ हो ऐसा आपको लगता है भविष्य में, वो आंदोलन करके ईवीएम को हटाना होगा, या सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके अनुसार पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों की रिंग आउंटिंग करने के ऑर्डर पर अमल कराना होगा। दो विकल्प है। इसके लिए हम लोग सारे देशभर में आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रीजनल पार्टियों के साथ भी वार्ता कर रहे हैं। रीजनल पार्टी के जो लोग हैं इस पर गंभीरता से उनको विचार करना है। अगर वो विचार नहीं करेंगे उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी। उनके सामने दो विकल्प है, या तो अपना पॉलिटिकल करियर खत्म करने के लिए राजी हो जाओ, या जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ, ये मामला हल हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने अगर एक दिन भी संसद बंद किया होता तो चार दिन में ईवीएम गायब हो गया होता। कांग्रेस एक भी बात ईवीएम के विरोध में नहीं कह रही है, क्योंकि उनका समझौता है और इस वजह से ईवीएम चल रही है। उसका पहले नंबर का कारण, ईवीएम चलने का कारण है कांग्रेस। मेन अपोजिशन पार्टी ईवीएम का विरोध नहीं कर रही है, इस वजह से चल रही है। इसके विरोध में आंदोलन करना होगा और कांग्रेस को नंगा करना होगा। इसलिए मैं कांग्रेस को, जो मेरे पास सबूत है उसके आधार पर, नंगा कर रहा हूं। और मैं लेटर भी सोनिया गांधी को लिखने वाला हूं कि दो बार आपने घोटाला किया, दो बार अब नरेंद्र मोदी आ गया है, अब तो खत्म करो भाई। अब ऐसा लेटर मैं सोनिया जी को लिखने वाला, हो गया दो बार तुमने किया, दो बार तुमने किया, अब खत्म करो ना ये बलात्कार लोकतंत्र का, खत्म करो, ऐसा लेटर भी लिखने वाला। और ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी कही है कि भी ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार करो, मैं जल्दी दिल्ली आता हूँ, लेटर लिखते हैं, क्योंकि अभी सोनिया जी फिर हंगामे अध्यक्ष हो गई है तो उनको लेटर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से साथियों ये भयंकर खेल चल रहा है, इसको रोकने के लिए आप साथ सहयोग करोगे भविष्य में, इस आशा और विश्वास के साथ आपने भी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मेसराम साहेब, आपण हे पूर्ण महत्त्वाचं असं हे अध्यक्षस्थानावरून आपण सर्वांना मार्गदर्शन केलं। यानंतर आपल्याला एक सूचना आहे, बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचं राज्यस्तरीय चरणबद्ध आंदोलन आहे 8 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातल्या 36 जिल्ह्यामध्ये आणि 360 तालुक्यामध्ये। याचं कारण आहे मौर्यकालीन प्राचीन भवन बुद्ध स्तूप सरकार नष्ट करण्याच्या तयारीमध्ये आहे। यानंतर या कार्यक्रमाचा आभार माननीय अशोक गायकवाड सर, हे आभार मानतो, मी त्यांना विनंती करतो। बहुजन क्रांती मोर्चा परिवर्तन यात्रेचे आपल्या सोलापूरमध्ये काश्मीर पासून जम्मू कन्याकुमारी पर्यंत आज सोलापूरमध्ये त्याचाच एक भाग म्हणून बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामनजी मेश्राम साहेब आपल्या शहरामध्ये आलेत।
त्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं ईएम मशीनबद्दल, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. तसेच मेसराम मॅडम, तसेच वर्माने सर, हिरोज शेख सर, माननीय प्रमोद नंदूरकर सर, तसेच माननीय सुरेश पाटोळे सर, माननीय फादर यवन सर, तसेच मंदाताई लोखंडे मॅडम, माननीय मौलाना अब्दुल हमीद अझरी साहब, तसेच माननीय बंते सोमनाथ साहेब, या सर्व कार्यकर्त्यांचे पदाधिकाऱ्यांचे मी आल्याबद्दल इथे आभारी मानतो आणि कार्यक्रमाला चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं आणि अध्यक्षाच्या परवानगीने मी हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. धन्यवाद सर.